भाई अपना राजा बाबू बन गया। तेरे को एक चीज पता चला? नेक्स्ट मंथ में क्या है? ईद है। अबे भैंस की आगे ये मंथ में ईद है ना? तो नेक्स्ट मंथ में मैडम फतवा का आया मैसेज। और 3x का कुछ पता चला? नहीं, क्या बात कर रहा है वे? महाकसम पूरे गांव में ढिंढोरा हो गया। अरे भाई को पता ही नहीं हुआ? वो इंसेंटिव का कुछ पता चला कि नहीं पता चला? नहीं पता चला। तेरे ग्रुप में मैसेज भी नहीं? बात सच में है कि मेरे साथ में मजाक गया। अभी उठा, दाल बना के खाना बना के बैठा। मगर ये न्यूज तो कल का है, नॉट आज का। पता नहीं, मेरे भी नहीं मानो। क्या हुआ? श्योर एक बार ग्रुप क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद, तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे कॉल करके देख तू बाबा, कुछ भी मैसेज नहीं आया। माँ कसम, नीचे बैठ के सब लोग बातें कर रहे, इतनी बड़ी बड़ी। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? वही रहता, गेस्ट ट्रैक आनियन उसमें डालो, इसमें डालो, यही है। तो छोड़ जान दे, वो तो होता रहता है। कुछ इंसेंटिव के बारे में पता चला क्या? नहीं पता चला, क्या हुआ? भाई अगले महीने तू अमीर बनने वाला है भाई, जरूरत से ज्यादा तेरे झोली में मिलने वाला है, तूने कभी सोची ना होगी। समझ रहे? सच में बता रहा हूँ। एक बात पलटा? हाँ पलटाया। जो मैटर क्या है वो नहीं बोल रहा, झोली में भर गया, वॉलेट में आएगा, ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, तुम्हें वही सोच के परेशान हूँ, तेरे को ये चीज नहीं। गजब बेइज्जती है, पता है इसकी वजह से नहीं। तो जो नेक्स्ट मंथ जो सैलरी आने पता है, हरामी हो बेटा वाला है। अब इसके बाद ये जैसे ब्लॉग में कट करूंगा, तेरे को मैं एक ऑडियो सुनाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। बट मैं तेरे को सोचता हूँ कि ओरली बता दूँ, सो दैट जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है इंसेंटिव 3x मतलब। ओ भाई मारो, मुझे मारो। 3x 3x मतलब क्या होता है? नॉट सेक्स। 15 KD, 10 KD या 20 KD आता, राइट? 30 KD बनेगा तो हो गया, उतना बनेगा ना। अगर 20 KD आता तो भाई 5 KD आ रहा है अभी। अभी अगर वो 3x आने वाला है तो 5 KD देंगे तो जब 15 हो जाएगा, तब तो पच का गजब बेइज्जती है। तो फिर क्या है, उसमें बढ़ने वाला है तब तो बचका हो जाएगा। अगर वो 22 KD रहा तो कभी कभी हर कभी कभी ऐसा भी हुआ है ना, 22 KD 500 मिला है भाई। लास्ट मंथ में 5 KD तो क्योंकि सेल अचीव नहीं किया था आपने, पता नहीं पूरे तो ब्रांड ने ही नहीं किया था। कितना अभी ये पक्का नहीं पता है, कसम से बता रहा हूँ। और इतनी भाई रोमर क्या दबा के फैल रहा है, और अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि 22 KD हो जाए, मतलब 22 KD इंसेंटिव आए। उसका छोड़ दे, अभी ये मंथ सैलरी 3 दिन के बाद में सैलरी आता है ना, हाँ उसके हिसाब से चलते, उसके हिसाब से बात चल जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से सोच के चलते, क्योंकि अभी ईद है, ईद का भी सेल अपना डबल होता। हाँ ओके, ऑलमोस्ट टारगेट रीच होने वाले रहते हैं, ऐसा ऐसा सोचेंगे ऐसा। फॉर एग्जाम्पल ओके, अभी परसों आए उस पर एस्टिमेशन करके देखेंगे। ठीक है ओके। तो जैसे कि भाई का कहने का मतलब है कि अभी 2 दिन के बाद में सैलरी आने वाली है, तो उस सैलरी के अंदर कितना इंसेंटिव मिलेगा, तो इसके हिसाब से हम लोग अजम्पशन कर लेंगे। जैसा कि हमको लास्ट सैलरी खाली कितना मिला था, 5 KD, कितना गंदा अगर, मिला था। अगर अगले महीने भी 5 KD मिलेगा तो जो जितना जितना एक्साइटमेंट से मैं बता रहा हूँ, सब पचका हो जाएगा भाई, कुछ भी फायदा नहीं होगा। 5 KD तो 15 KD मिलेगा, उसमें क्या है, हर महीने मिलता, उससे पहले तो 20 KD अपना कमिटमेंट रिवार्ड मिलता था, उस टाइम पे तो 20 KD 25 KD आता था, कितना मजा आता था भाई, अच्छी फर्क था। अभी 3 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
तो भाई सीन कुछ ऐसा है, देख लो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मेरे को लग रहा था कि ये महीने की सैलरी में आने वाला है, नहीं, बट खुशखबर ये है कि अब पता नहीं, ये खुशखबर भी बोल सकते हैं, चलना भाई पहले अगर इंसेंटिव नहीं आता, मतलब 3x नहीं आता, खाली 5 ही KD आता तो 5 ही KD मिलता था, या 10 KD आता 10 KD मिलता था, इनकेस एज अ 10 KD या 20 KD पकड़ के आता है तो भाई 3x होता है 60 KD,
और वो आधे महीने की सैलरी हो जाती है। अब ये लड्डू लेके मेरे को तो खुश होना ही है, अब जो हकीकत रहेगा, जो असलियत रहेगा भाई, मैं इनका तो नहीं बताऊंगा कि ये लोग सैलरी नहीं बताते मेरे को, बताते मगर एस्टीमेट बताते हैं और बाद में पूरा बताते, मगर मैं अपना सैलरी का पूरा पोल खोलूंगा आपको कि पता चल जाएगा कि कितना मिलने वाला है। तो अरे जो बकरा ईद गया और प्लस बोनस, ईयरली बोनस सब कुछ मिला के कुछ मैडम अपनी तरफ से दे रही है, एक अपनी तरफ से दे रही है, एक कंपनी की तरफ से है, एंड शी इज़ हैप्पी। लास्ट टाइम भी उसने अपनी तरफ से 10 KD दिया था सारे स्टाफ को, तो लास्ट टाइम 22-22.5 KD कुछ ऐसे ही आ गया था। अब पता नहीं भाई, जो भी मिल जाए बहुत ही बड़ी बात है, क्या बोलते हैं, जितना मिल जाए वो तो सही है ना, नहीं तो 140 लेके क्या करता था तू, कम से कम 10 KD की वजह से 30 KD 170 हो जाएगा तेरा, वो तो कुछ तो हाथ में आएगा, प्लस तू थोड़ा बहुत ओवर टाइम किया रहेगा, प्लस तेरा पब्लिक हॉलीडे है तो आ जाएगा। मैं तो बोलता हूँ इस महीने सब लोग दबा के सैलरी उठाने वाले अगले महीने, क्योंकि ये 4 दिनों देखो ऐसा कुछ बोला क्या, ये पॉज करता हूँ। चलो भाई जाओ, बिजी हो जाओ, मजा आया बात करके, तो खुशखबर से खुशी है कि नहीं? बहुत खुशी है भाई। तो रियलिटी अब तो पता चलेगा जब सैलरी हाथ में मिलेगी। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई को एक ऑडियो सुनाने के लिए, वो ऑडियो मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि वो किसी बड़े ऑपरेशन का वॉइस है, तो आई वोंट बी एबल टू शेयर विद यू। तो जो मेरे को मिला है तो मैं खुद सुन के हैप्पी हो रहा था, एंड जी हाँ वो अगले महीने वाला है, मैंने कि एक्साइटेड में बोल दिया था इस महीने, नहीं जी वो अगले महीने की सैलरी में ऐड होने वाला है, तो बस समझ लो ऐसा ही सीन है कुछ। ओके बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके क्या बना अभी बोल, दाल क्या बनाया, मिक्स वेज दाल के, माँ कसम भाई आज हैदराबादी स्टाइल में दाल मिल रहा है, उसके अंदर मिक्स वेज दाल है और सुपर ही तड़का मार रहा है, तो ऐसा बोलने का मतलब भाई का है। तो अब जब हम खाने जाएंगे तब आपको बताएंगे, अब क्या पता बता भी सकते नहीं बता सकते, कोई भी फायदा होगा तो मैं बताऊंगा। तो फिलहाल अभी जाते हैं, मैं जा रहा हूँ घर पे बात करने के लिए। तो भाई दाल तो खतरनाक बनाया है इसने तो, सही है भाई। तो भाई मैं बिग बॉस देख रहा हूँ जिसके अंदर फुकरा इंसान अभी गाली देने वाला है, खतरनाक वाला, मारना पड़ेगा भाई, मारना पड़ेगा फुकरा इंसान को, बचा दिया यूट्यूब की इंडस्ट्री ने, एक नंबर। कैसा बनाया खाना, अच्छा बनाया भाई, खुद बनाया, खुद की तारीफ बढ़िया ही है। अभी मैं पहले खाता हूँ दाल राइस एंड देखते हैं। भाई फुकरा इंसान, फुकरा इंसान पागल हो गया भाई, माँ कसम, और खाना लाजवाब बनाया भाई ने। खाना मस्त बना भाई, अच्छा बना, बढ़िया है। फिलहाल इस ब्लॉग को अभी खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। एक चीज, वीडियो शूट हो रहा है मगर आ गया भाई, ये अवतार में शूट करना है, शर्म कर। चला अवतार।